हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग जो है BGMI या फिर पबजी के अंदर जो है आई बटन का जो यूज़ करके आप बंदे को इजीली किल कर सकते हो, जिसको कि हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो है आई शॉट बटन मतलब आई शॉट कहते हैं। तो आई शॉट कैसे मारते हैं हम स्नाइपिंग करते हुए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना और चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। उससे पहले जिन बंदों को आई शॉट के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत जो यहाँ पे मेरी खुद की क्लिप देख सकते हो। तो चलो देख लो पहले क्लिप। So cold outside, I'm alone, I'm alright. तो गाइस, आप लोगों ने तो यहाँ पर देख लिया होगा किस तरीके से मैंने जो यहाँ पे आई शॉट मार करके जो है TDM में प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरे दोस्त के साथ 1v1 कर रहा था, लेकिन मैंने जो है ऐसे ही जो है कूल बनने के लिए जो है मैंने उस बंदे को इस तरीके से मारा है जो कि मेरा फ्रेंड था। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो कि यहाँ पे यूट्यूब के लिए मोनेटाइज वीडियो ढूंढते होंगे, तो उसमें जो है मतलब अच्छे सेटिस्फेक्शन के लिए जो है आई शॉट का जो यूज़ करते होंगे। तो आप लोगों को भी अगर ये सीखना है तो कैसे सीखना है मैं आप लोगों को जो यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से पहले तो गेम के अंदर चलते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है मेरी खुद की सेटिंग बता देता हूँ जो कि मैं खुद यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग पहले मेरी सारी सेटिंग्स यहाँ पे देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने जो यहाँ पे एम असिस्ट पहले ही ऑफ कर रखा है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं जो है पहले से जो है एम थोड़ा अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैं अब जो है एम असिस्ट ऑफ करके खेलता हूँ फिर भी जो है मेरे से आई शॉट लग जाता है। तो अभी अगर आप लोग नए नए हो आई शॉट सीख रहे हो तो आप लोगों को एम असिस्ट को जो एनेबल ही रखना है, वरना थोड़े दिनों बाद अगर आपके मतलब थोड़े प्रो हो जाओगे आप तो उसके बाद भले आप जो है यहाँ पे ऑफ करके भी जो है अच्छी खासी ट्रेनिंग कर सकते हो एम असिस्ट को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे तो मैंने तो यहाँ पे डिसेबल कर रखा है एम असिस्ट और एम फ्यूचर को। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने मेरी सेटिंग तो देख ली होगी, अब आपको मैं बता देता हूँ सारी टिप्स आप लोगों को कैसे सीखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो जो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को AWM ले लेनी है या फिर आपको जो है M24 ले लेनी होगी। वैसे TDM में तो ज़्यादातर जो M24 यूज़ होती है, तो M24 लेना आप लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को आकर के जो यहाँ पे बोर्ड दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आकर के जो इनको जो यहाँ पे खड़े हुए बोटों को जो यहाँ पे आपको मारना आएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वैसे तो मैं ऐसे ही यहाँ पे मार रहा था, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे जो है अब वैसे जो है मैं थोड़ा जंप करके भी मार रहा हूँ, क्योंकि TDM में जो हमको मूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदा तो इतनी देर में मार के चला जाएगा खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे TDM में यहाँ पे आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जो है दिन मतलब डेली जो आप लोगों को 10 मिनट या फिर 15 मिनट जहाँ पे आपको जो ऐसे ट्रेनिंग करनी होगी। और यहाँ पे इन खड़े हुए बोट को नहीं मारना है आपको, डमीज को। आप लोगों को जो साथ में वहाँ पे जो DL बोट रहते हैं उन्हों को हाई पे कर लेना है, और वहाँ पर आगे जो यहाँ पे जहाँ पे हम बोट से लड़ते हैं जो कि DL प्लेयर की तरह डैमेज देते हैं, तो उन्हों से जा कर के भी जो आप लोगों को जो ऐसे आई शॉट का जो है प्रैक्टिस करना है। तो हो तो गई यहाँ पे दो हमारी टिप्स। तो वैसे मैंने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करा है, मैं शायद करा था बाकी वो आया नहीं। तो आप लोगों को इन दो जगह पे जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर लेनी है। उसके अलावा आप लोग जो तीसरी टिप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग को करना क्या है, आपके मतलब जो दोस्त है उसको आप लोगों को जो रूम बना लेना है और उसको जो है पीछे खड़ा कर लेना है, और आप लोगों को धीरे धीरे जो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को जो एम असिस्ट को और ऑन रखना है। वैसे मेरा यहाँ पे ऑफ है, फिर भी जो अच्छे खास यहाँ पे हेडशॉट लग रहे हैं हेडशॉट की मदद से। तो आप लोगों को धीरे धीरे ट्रेनिंग सीखनी है, उसके बाद आप लोगों को एम असिस्ट को ऑफ कर लेना है, और आप लोगों को जो फिर और अच्छा जो एम बनाना है M24 से यहाँ पे स्नाइपिंग करने में। तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे फोर्थ टिप बता देता हूँ। वैसे उस टाइम जो है हम हमारे फ्रेंड के साथ थे, तो फ्रेंड को तो पूरा बता के रखते हैंगे, बाकी यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे रेंडम जो है यहाँ पे भेज देनी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाएंगे। तो आप लोगों को जो रूम में बिल्कुल भी जो है यहाँ पे कंजूस वाड़ा नहीं करना है, अगर आपके पास यहाँ पे रूम पड़े हैं तो उसको यूज़ करो गाइस, कब तक आप ऐसे नूब बन के पड़े रहोगे। और रूम आपके कहने रहेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है, बंदा कोई दूसरा रूम बनाएगा तो वो जो है आप लोगों को ईजिली हरा देगा। तो रूम का सही यूज़ करो। और यहाँ पर आप लोग बस यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे एक रेंडम बंदा था, प्रिंस प्रेम नाम है स्टोरीज का, तो इसको जो है मैंने यहाँ पे हाई लेवल का था, ये 74-2 लेवल था, तो मैंने जो यहाँ पर इसको जो यहाँ पर रख लिया, बाकी सभी बंदों को जो यहाँ पे किक कर दिया।
तो ऐसे आप लोगों को जो है हाई लेवल का प्लेयर ढूंढना आएगा रेंडमली, और उसके साथ जो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैं जो इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाय द वे आपको 4th के 4 आपको जो यहाँ पर टिप्स कैसी लगे आप लोग मुझे कमेंट बताना। बाकी धीरे धीरे जो मैं और इसके ऊपर जो टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस बंदे को मैंने यहाँ पे फिर से आई शॉट मारा है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बताना। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगा जिसमें और कुछ टिप्स वगैरह रहेगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बताना। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग उसमें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल, पीस आउट।